नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सुनील चौपाल समाज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक तरफ पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगे हुए हैं, वहीं हड़ताली शिक्षक अपने हड़ताल को 41वें दिन जारी रखे हुए हैं। और ऐसे परिस्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में, शिक्षक फिर भी सरकार के हर कार्यों में मदद करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार शिक्षकों से कोई वार्ता नहीं कर रही है, हड़ताल को तोड़ने का पहल नहीं कर रही है। ऐसे में मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने इसका संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार को इसे अवगत कराया है, और अवगत ही नहीं कराया है बल्कि मांग भी रखी है कि जो शिक्षकों का वेतन है उसे जारी किया जाना चाहिए, शिक्षकों का वेतन नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं रोकना है और न ही वेतन को रोक करके किसी भी तरह की परेशानी उन्हें डालना है। आप सभी जानते हैं कि अभी जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे स्थिति में लोग अपने घरों में बने हुए हैं, ऐसे में कोई कार्य भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके सामने भुखमरी की बात आ गई है। तो इसे ख़त्म करने के लिए बिहार सरकार को इस पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इस पर निर्णय लेना चाहिए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, जय हिंद। मुझे प्रदेश के कई शिक्षकों द्वारा सूचना लगातार प्राप्त हो रही है कि इस आपातकाल समय में भी बिहार सरकार द्वारा कई माह पूर्व से शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे परिवार के भरण पोषण की समस्या बिहार के शिक्षकों में उत्पन्न होता जा रहा है, जो काफी चिंताजनक है, क्योंकि समाज, प्रदेश और देश की गुणवत्ता शिक्षा पर ही निर्भर करता है। और मैं भी मानता हूं कि करीब 2 माह पूर्व से बिहार राज्य के शिक्षकों द्वारा कई मांगों को लेकर जगह जगह हड़ताल किया गया, जो भारतीय संविधान में निहित अधिकार है, जिससे सरकार को नाराजगी हो सकती है, जो लाजमी भी है, क्योंकि प्रदेश के मैट्रिक परीक्षा में काफी शिक्षकों ने अपना कार्य बहिष्कार किए हैं। परंतु सरकार को ध्यानाकर्षण कराना चाहूंगा कि शिक्षक ही देश और दिशा को अपने योग्यता के बदौलत बच्चों में प्रतिभा का विकास करते हैं, जिसका ही देन है कि दुनिया भर में ज्यादातर IAS, IPS समेत कई अहम पद पर बिहार प्रदेश का ही जलवा होता है, जिसका नींव किसी भी प्राथमिक विद्यालय से ही शुरू होता है, जिसके साथ बिहार सरकार समय पर वेतन भुगतान नहीं कर अन्याय कर रही है, जो निंदनीय प्रतीत होता है। अतः मैं एक राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन में बिहार प्रदेश की ओर से बिहार सरकार से इस आपातकाल समय में प्रदेश के सभी शिक्षकों के परिवार के भरण पोषण हेतु मानवीयता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। धन्यवाद।